हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमैटिक पॉपकॉर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल जैसी जगह दिखाई जाती है और इस जेल का सिस्टम काफी अजीब होता है क्योंकि ये जेल एक बिल्डिंग की तरह होती है और इसमें लगभग 100 से भी ज्यादा फ्लोर होते हैं। तभी हमें इस जेल की किचन दिखाई जाती है जहां पर कई सारे शेफ काफी अलग अलग तरीके की चीजें बना रहे होते हैं। और अब मूवी में हमें एक लाइन दिखाई जाती है जिसका मतलब इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला जो अपर लेवल में होते हैं, दूसरा जो बिलो लेवल में होते हैं और तीसरा जो फॉल कर जाते हैं। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो तो हमें इस मूवी में लास्ट तक देखने पे पता चलेगा। और अब हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गौरेंग होता है और वो खुद को सीमेंट से बनी एक सेल में पाता है जो कि एक काइंड ऑफ बिट होती है। उस सेल में उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता है और वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि हम लोग एक वर्टिकल होल यानी कि एक प्रिजन में हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म टॉप से यानी 0 से नीचे की ओर आता है जिसमें काफी डिलीशियस फूड रहता है और वो कई सारी वैरायटीज में भी रहता है। ये डिलीशियस फूड कुछ और नहीं बल्कि वही होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब ये प्लेटफॉर्म हर एक सेल में कुछ ही मिनट के लिए रुकता है, लगभग 1 या 2 मिनट, और उस टाइम पे उन लोगों को जो भी खाना मिलता था वो उन्हें खाना पड़ता था, पर उनमें से कोई भी उस खाने को फर्दर टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकता था। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी और पनिशमेंट में उस सेल को इतना ज्यादा गर्म कर दिया जाता था कि आपकी बॉडी जलने लगे या फिर इतना ज्यादा ठंडा कर दिया जाता था कि आपकी बॉडी फ्रीज होके बर्फ बन जाए। अब हमें गौरेंग दिखाया जाता है और वो जिस सेल में रहता है उसका नंबर 48 होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हम लकी हैं जो हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि मैंने इससे भी खराब लेवल देखा है 141, जहां पर खाना पहुंचता ही नहीं है। अब जब प्लेटफॉर्म ऊपर से 48 लेवल पर आता है तो काफी ज्यादा खाना खत्म हो चुका होता है और उस प्लेटफॉर्म की कंडीशन काफी खराब रहती है, जिसे देखकर गौरेंग खाना खाने से मना कर देता है और वो लगातार 1-2 दिन तक कुछ नहीं खाता है। पर वो बूढ़ा आदमी इस चांस को मिस नहीं करता और वो डेली इस खाने को खाता था और उसका ये भी कहना था कि जल्द ही गौरेंग पे भूख हावी हो जाएगी और वो भी इस खाने को खाने लगेगा। 2-3 दिन बाद गौरेंग एक एप्पल प्लेटफॉर्म से उठा लेता है जिसके तुरंत बाद ही उसका सेल अचानक से हीट करने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है तुमने खाना चुराया है और ये रूल के खिलाफ है। और फिर एक आदमी ऊपर से नीचे की ओर गिरता दिखाई देता है जिसका ब्लड गौरेंग के गाल पे भी दिखता है। उस बूढ़े आदमी से पूछने पर वो बताता है कि हाँ, ये कुछ और नहीं बल्कि एक आदमी था। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस सेल का एक और फैक्ट रहता है, जो प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे की ओर आता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त काफी स्पीड में जाता है जिससे कोई भी कैदी उसके थ्रू बाहर ना निकल सके। साथ ही साथ इस प्रिजन के सभी कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी और ये सभी कैदी अपनी मर्जी से यहाँ पर आते थे, किसी को भी जबरन यहाँ पर बुलाया नहीं जाता था। गौरेंग यहाँ पर अपनी सिगरेट की बुरी लत को छोड़ने आया था जिससे जब वो यहाँ से जाए तो वो चैन से अपनी सोसाइटी में अच्छे से रह सके। और इन सभी चीजों के लिए उसे 6 महीने के बाद एक डिप्लोमा भी मिलेगा। अब इस सेल में आने से पहले सभी को कोई एक आइटम अपने साथ लाने के लिए बोला जाता था। गौरेंग अपने साथ एक बुक लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपने साथ एक शार्प नाइफ रखता है। वो बूढ़ा आदमी काफी खराब नेचर का होता है क्योंकि वो गौरेंग को किसी से भी बात करने नहीं देता है। इतना ही नहीं, नीचे के सेल से जब कैदी थोड़ी सी वाइन मांगते हैं तो वो उन्हें वाइन देने के बजाय उन पर यूरिन कर देता है। ये सारी चीजें हमें हमारी सोसाइटी का एक आईना दिखाती है जिसका साफ मतलब होता है कि कैसे लोग अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। अब इस वर्टिकल प्रिजन में सभी कैदियों को ऊपर से नीचे
शफल किया जाता था, वो भी अलग अलग इंसानों के साथ, और ये सभी चीजें महीने के एंड में की जाती थी। उस दौरान सेल में स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती थी और जब कैदी उठता था तो वो खुद को एक दूसरे लेवल पे पाता था। लकीली गौरंग 48 लेवल पे होता है जहाँ पर उसे खाना ठीक ठाक मिल जाता था। अब एक दिन उस प्लेटफॉर्म पे एक लड़की उन्हें दिखती है जो पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। गौरंग उसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर वो बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने से मना करता और वो कहता है कि ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उसको खुद ही खत्म कर देती है। अब वो जैसे ही 49 लेवल पर जाती है तो उस सेल के कैदियों के गलत बिहेवियर से वो उनको मार डालती है। गौरंग और वो बूढ़ा आदमी मंथ एंड तक के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गौरंग भी बाकी कैदियों की तरह उस सेल में खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब मंथ का एंड आता है और सभी को शफल कर दिया जाता है। गौरंग जब सो के उठता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वो ये भी देखता है कि वो लेवल नंबर 171 पर है, जहाँ खाने के नाम पर सिर्फ खाली बर्तन होते थे और कुछ नहीं। गौरंग को उस बूढ़े आदमी ने ही बांध कर रखा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग जिस लेवल पे हैं वहाँ पर खाना मिलने वाला नहीं है और भूख के चलते वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी ये भी कहता है कि मैं 7 दिन तक तो भूखा रह सकता हूँ पर उसके बाद भूख बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो गौरंग के मांस के टुकड़े को खाएगा और उसे भी खिलाएगा ताकि वो दोनों सरवाइव कर सके। अब 8वें दिन उस बूढ़े आदमी की भूख उस पे टेक ओवर कर लेती है, इसलिए वो गौरंग के मांस को नाइफ से काटने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से वही अजीब सी दिखने वाली लड़की आ जाती है और वो उस बूढ़े आदमी पे अटैक करके उसे बचा लेती है। अब गौरंग काफी गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है और वो लड़की उस बूढ़े आदमी का मांस गौरंग को खिलाती है जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। धीरे धीरे गौरंग अब पूरा महीना उस बूढ़े आदमी के मांस को खाकर गुजारता है, जिसके चलते वो बूढ़े आदमी की तरह होता जा रहा था, क्योंकि गौरंग के हिसाब से किसी को मारना इंसानियत के खिलाफ था। बट यहाँ पर रहकर उसे पता चल गया था कि सर्वाइव करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। गौरंग को अब उस बूढ़े आदमी की हेलुसिनेशन दिखने लगती है क्योंकि वो उसी को खा रहा होता है। अब उस बूढ़े आदमी का एक हिस्सा हमेशा गौरंग के अंदर ही रहेगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें मूवी का 0 लेवल दिखाया जाता है, जहां पर लीडर को खाने में एक बाल मिल जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसे सारी चीजें परफेक्ट चाहिए थी। खैर, अब दूसरा मंथ भी एंड हो जाता है और गौरंग खुद को 33 लेवल पर पाता है। अब यहाँ पर गौरंग की पार्टनर एक लड़की होती है जिसके पास एक छोटा सा पपी होता है जो उसे एज अ आइटम लेकर आई होती है। गौरंग उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा होती है जिसने पूरे 25 साल यहाँ पर काम किया होता है। फिर गौरंग उस लड़की को बताता है कि यहाँ का सिस्टम काफी खराब है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा घपलेबाजी होती है, पर लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें परफेक्ट है। वो लड़की गौरंग को बताती है कि इस बिट में लगभग 200 लेवल्स हैं और वो इस बिट की इस हॉरेबल कंडीशन से वाकिफ नहीं थी। वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो एक कैंसर की पेशेंट है और वो यहाँ पर आकर ये देखना चाहती थी कि सेल में एक्चुअल लाइफ कैसी होती है, और असल में वो यहाँ आकर एकदम खुश नहीं होती क्योंकि यहाँ की कंडीशन काफी खराब होती है। अब वो लड़की एक ट्रिक अपनाती है जिसको वो लगभग 15 दिनों से ट्राई कर रही थी। वो अपने से नीचे वालों के लिए पहले से ही 2 प्लेट में सफिशियंट खाना निकाल कर रख देती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आगे भी इस मैसेज को पास करे, मतलब वो लोग भी अपने से नीचे वालों के लिए 2 प्लेट खाना निकाल कर रख दें जिससे सभी तक खाना पहुंच जाए और कोई भी भूखा ना रह सके, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे स्नेल्स भी थे जिसको किसी ने नहीं खाया था और वो गौरंग का फेवरेट फूड होता है, जिसका ये साफ मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म पे वो सारी डिशेस होती हैं जो किसी न किसी की फेवरेट हों।
खैर गौरेंग काफी गुस्से में आ जाता है और वो नीचे वाले लेवल के लोगों को कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों के खाने पे मलमूत्र कर दूंगा, इसलिए ये लड़की जैसा कहती है वैसा करो। इस पर लड़की गौरेंग से कहती है कि तुमने ठीक किया, अब हमें सिर्फ अपर लेवल के लोगों को समझाना है। तभी गौरेंग कहता है कि अब मैं ऊपर जाके तो मलमूत्र नहीं कर सकता, मतलब वो स्पॉन्टेनियस और सॉलिडेटरी में विश्वास नहीं करता। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि बिना किसी को फोर्स किए और उनकी सहमति यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम किसी काम को कर सकते हैं। अब ये लड़की सिस्टम को सही करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अपर लेवल के लोग सबसे ज्यादा खाना खाते हैं जबकि वो कम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब गौरेंग के सामने फिर से वही लड़की आती है जो उसे पहले दिखी थी और अभी तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है। गौरेंग उसकी मदद करता है और उसे बेड पे लिटा देता है और उसकी सेवा करता है। तभी उस दूसरी लड़की का डॉगी खाना चुरा लेता है जिससे पूरा सेल अचानक से ठंडा होने लगता है। तभी गौरेंग वो खाना उठाकर नीचे के लेवल पे फेंक देता है जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब गौरेंग उस दूसरी लड़की को बताता है कि ये महीने की लास्ट में हमेशा अपने बेटे को ढूंढने जाती है, जिस पर वो दूसरी लड़की काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये यहाँ पर अकेले आई थी और इसके साथ कोई भी आइटम नहीं था और ये ऐसा बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि ये किसी फेमस एक्ट्रेस को कॉपी कर रही है और उसी की तरह बनना चाहती है। वो एक इमेजिनरी बच्चा ढूंढ रही है और जिसके चलते वो एक साइको किलर में बदलती जा रही है। वो ये भी बताती है कि 16 साल से नीचे का कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना कोई रूल होता है और जिसके चलते ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई बच्चा आया हो। अब गौरेंग ये नोटिस करता है कि वो अजीब सी दिखने वाली लड़की प्लेटफॉर्म से नीचे जा रही है और उसने उस छोटे से पपी को भी मार दिया होता है जिससे वो दूसरी लड़की काफी ज्यादा टूट जाती है, यहाँ तक कि उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ रखा था। अब ये मंथ भी कंप्लीट होता है और जब गौरेंग सोकर उठता है तो वो खुद को 202 लेवल पर पाता है और वो ये भी देखता है कि उस दूसरी लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। अब इस फांसी के कई रीजन होते हैं, पहला तो वो कैंसर से पीड़ित थी और दूसरा वो खुद को 202 लेवल पर पाती है जबकि उससे बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 ही लेवल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे 25 सालों तक झूठ बोला और तीसरा उसे डॉगी का भी दुख था, इसलिए वो चाहती थी कि गौरेंग इसमें बदलाव लाए जिसके लिए उसे सर्वाइव करना होगा और इसीलिए वो खुद को फांसी लगा लेती है और अपनी बॉडी गौरेंग के हवाले कर देती है जिससे कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके और इस खराब सिस्टम को सही कर सके। अब गौरेंग को उसकी बॉडी खाकर पूरा महीना गुजारना था। फ्रेंड्स यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इस सिस्टम में पहले कैदियों को एक अच्छे लेवल पे रखा जाता है और एकदम से उन्हें नीचे के लेवल पे छोड़ दिया जाता था जिससे कि या तो दोनों ही कैदी मर जाएं या फिर दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह जाए और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की चाल होती है जिससे कि कोई भी बाहर ना जा सके और हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाए। खैर अब ये मंथ भी कंप्लीट होता है और गौरेंग खुद को लेवल 6 पर पाता है और इस सेल में उसका रूममेट एक आदमी होता है जिसका नाम भरत होता है और वो 5th लेवल के लोगों को कहता है कि तुम लोग भगवान का रूप हो और प्लीज मुझे इस सेल से निकलने में मदद करो, जिस पर पहले तो वो लोग मान जाते हैं लेकिन उसके बाद उस सेल की लड़की उसके ऊपर मलमूत्र कर देती है जिसके चलते उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब यहाँ गौरेंग उसकी मदद करता है और उसे मरने से बचा लेता है बट उसकी वो रस्सी नीचे गिर जाती है जिससे उसकी बाहर निकलने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब गौरेंग उससे एक प्लान शेयर करता है जिसके अकॉर्डिंग उसने रफली काउंट किया है कि यहाँ पर 250 लेवल्स हैं और अगर वो हर एक लेवल पर जाकर खुद खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो सबको खाना बराबर मिलेगा और लास्ट में जब ये प्लेटफॉर्म नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो हम भी इसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे।
अब वो आदमी इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, वो भी एक रॉड के साथ। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट 50 लेवल तक के लोगों को खाना नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली खाना खाया है और वो लोग एक दिन बिना खाए रह सकते हैं, इसलिए वो उससे नीचे के लेवल को खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो लोग 50 लेवल तक तो नीचे पहुंचने के लिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें मारते हुए नीचे पहुंचते हैं। अब नीचे के एक लेवल पर भरत का गुरु मिलता है, जो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पहले प्यार से, और अगर वो लोग नहीं मानते हैं तब उन्हें तुम मारो और पीटो, और दूसरी बात ये कि तुम लोग खाने की कोई एक डिश को हाथ भी नहीं लगाओगे, जिससे कि जब वो डिश 0 लेवल से ऊपर की ओर पहुंचेगी तब सिस्टम को पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और तभी इस सिस्टम में बदलाव हो सकता है। इसलिए वो लोग एक डिश को सेव कर लेते हैं और खाना बांटते हुए जब वो लोग नीचे की लेवल की ओर जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो अजीब दिखने वाली लड़की को एक आदमी ने मार दिया है, जिसमें वो दोनों भी काफी घायल हो जाते हैं। अब 250 लेवल तक पहुंचने पर भी वो प्लेटफॉर्म नहीं रुकता है, जिससे इन्हें ये तो पता चल जाता है कि अभी और भी लेवल्स हैं, पर नीचे के लेवल्स में कोई भी नहीं रहता है, सभी मारे जा चुके होते हैं, और अंत में जाकर ये प्लेटफॉर्म 333 लेवल पर रुकता है, जिसको ये लोग आखिरी लेवल मानकर उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं। बट वो प्लेटफॉर्म फिर से नीचे की ओर चल देता है और वो लोग वहीं फंस जाते हैं, और उन दोनों को उस लेवल पर एक छोटी सी लड़की मिलती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही अजीब दिखने वाली लड़की की बेटी होती है, और फिर उस लड़की को ये लोग उस बची हुई डिश को खिला देते हैं, और ये नोटिस करते हैं कि रूम के टेम्परेचर को कुछ नहीं हुआ, जिसका ये साफ मतलब था कि यहाँ पर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, और ये एक सेल्फलेस एक्ट को शो करता है, मतलब इस सिस्टम को ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं, और जब गौरंग की आंख खुलती है तब वो ये नोटिस करता है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा बह चुका था। अब जब प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर आता है तो गौरंग उस लड़की के साथ प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है, और उस प्लेटफॉर्म के साथ ही वो नीचे की ओर जाता है, जो कि एक ब्लैंक रूम होता है, जहां पर हमें वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो गौरंग के साथ पहले लेवल पे था, और वो गौरंग से ये कहता है कि ये लड़की अपर लेवल के लिए ही एक मैसेज है और उसे अपर लेवल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज को कोई बियरर नहीं चाहिए होता है। अब गौरंग भी उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगता है, और जब वो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वो छोटी सी बच्ची प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है, और फ्रेंड्स मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना ना भूले, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट मूवी में। टेक केयर एंड बाय बाय।